हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स करूंगा GSLV MK2 DIY किट। ये एक रॉकेट का DIY किट है गाइस। रॉकेट के अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स किस लिए काम में आते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। GSLV MK2 का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 2, यानी कि GSLV MK2 भी बोलते हैं इसे शॉर्टकट में। इस बॉक्स के अंदर है GSLV MK2 रॉकेट का DIY मॉडल किट। तो अलग अलग पार्ट्स में हमें सारी चीज़ें मिल जाती है इस बॉक्स के अंदर। सारी चीज़ों को जोड़कर हमें एक GSLV MK2 रॉकेट का मॉडल बनाना होता है। बॉक्स देख सकते हो गाइस, इस तरह के बॉक्स में मिलता है हमें ये रॉकेट का किट। तो चलो दोस्तों, पहले मैं आपको इसे ओपन करके बता देता हूँ इसके अंदर हमें कौन से पार्ट्स मिलते हैं और उन पार्ट्स को क्या बोलते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। इसे मैंने ख़रीदा था अमेजोन से 300 रुपीज़ में। बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चाहे तो इसे ख़रीद भी सकते हो। तो भाई देख सकते हो इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक पैकेट है। पैकेट के अंदर सारे अलग अलग पार्ट्स है। सारे पार्ट्स को जोड़कर हमें एक रॉकेट का मॉडल बनाना होता है। तो चलो दोस्तों, फटाफट से इसे कट कर लेते हैं यहाँ से। इसके साथ एक यूज़र मैनुअल भी आ जाती है गाइस। मैं पहले आपको यूज़र मैनुअल दिखा देता हूँ कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं, मुझे भी प्रॉपर तरीके से पता नहीं है गाइस। इस यूज़र मैनुअल के अंदर GSLV MK2 के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। व्हीकल का स्पेसिफिकेशंस लिखा है और इसका लिफ्ट ऑफ मास लिखा है, नंबर ऑफ स्टेजेस लिखा है, फर्स्ट फ्लाइट कब थी ये भी लिखा है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट थी अप्रैल 18, 2001 को और इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी लिखी है। पेलोड कितना लेके जा सकता है ये रॉकेट यहाँ पे लिखा है। मैक्सिमम पेलोड जो है ना गाइस, 5000 kg तक GSLV MK2 रॉकेट लेके जा सकता है। गाइस यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उसका आंसर अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। इस रॉकेट को डेवलप किया था इसरो ने। अगर आपको इसरो का फुल फॉर्म पता है तो गाइस मुझे नीचे कमेंट करके फटाफट से जल्दी से बता देना। और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसके पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसे किस तरह से असेंबल करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। तो चलो दोस्तों, फटाफट से मैं आपको इसे असेंबल करके दिखा देता हूँ GSLV MK2 रॉकेट किस तरह से दिखता है। तो चलो दोस्तों, फटाफट से इन सारे पार्ट्स को कर लेते हैं असेंबल। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, इसे बोलते हैं पेलोड। ये है GS3 क्रायो स्टेज, इसे यहाँ पे इस तरह से जोड़ देते हैं। अभी जोड़ते हैं GS2 स्टेज इसको। ये है GS2 स्टेज, इसको यहाँ पे इस तरह से जोड़ना होता है, तो जोड़ दिया मैंने। अभी जोड़ते हैं सॉलिड मोटर रॉकेट, ये रहा, इसको यहाँ पे इस तरह से जोड़ना होता है। ये जोड़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है गाइस मुझे, यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा। ओवरऑल इसके प्लास्टिक की क्वालिटी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अभी जोड़ते हैं लिक्विड स्ट्रैप ऑन मोटर्स, ये रहे लिक्विड स्ट्रैप ऑन मोटर्स। 4 पीसेस मिलते हैं हमें इस तरह के, इसको यहाँ पे जोड़ दिया मैंने, इसको इधर जोड़ देते हैं गाइस। ओके, ऑलमोस्ट देख सकते हो गाइस, हमारा GSLV MK2 रॉकेट का मॉडल तैयार हो चुका है। तो अभी सबसे लास्ट जो चीज़ है ये है इसका प्लेटफॉर्म, इसे यहाँ पर जोड़ना होता है गाइस। पूरी तरीके से अभी हमारा रॉकेट हो चुका है तैयार। तो चलो दोस्तों, इसके अंदर कौन से पार्ट्स लगे हैं मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये है इसका पेलोड, यहाँ पर देख सकते हो जो भी सैटेलाइट वगैरह होती है इसके अंदर ये होती है। नेक्स्ट जो है GS3 क्रायो स्टेज, ये रहा GS3 क्रायो स्टेज जो ब्लैक कलर का है। थर्ड जो है GS2 स्टेज, ये जो वाइट कलर का पार्ट है यहाँ तक GS2 स्टेज है ये। फोर्थ वाला जो है सॉलिड मोटर रॉकेट 1 पीस, यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉलिड मोटर रॉकेट है ये।
फिफ्थ वाला जो है गाइस लिक्विड स्ट्रैप ऑन मोटर्स है, 4 पीसेस होते हैं इसके, ये रहे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे लिखा है इंडिया भारत बोलकर और इसरो बोलकर भी लिखा है। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था गाइस इसरो का फुल फॉर्म क्या है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके फटाफट से मुझे ज़रूर बता देना। तो इसके अंदर यहाँ पे 6 ऑप्शन आप देख सकते हो गाइस, लिखा है बूस्टर्स बोलकर, बूस्टर्स जो है 2 बूस्टर्स होते हैं इसे, यहाँ पे देख सकते हो ये जो वाइट पार्ट है ये एक बूस्टर है, यहाँ पे ये है दूसरा बूस्टर। तो 7th है फ्यूल टैंक्स ब्लैक 4 पीसेस बोल के है, ये जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है ना गाइस ये है इसके फ्यूल टैंक्स 4 पीसेस है। और कनेक्टर रेड, ये रहा कनेक्टर रेड कलर का जो पार्ट है इसे कनेक्टर बोलते हैं। और प्लेटफॉर्म तो मैंने आपको बता दिया था गाइस, ये है इसका प्लेटफॉर्म। और स्टिकर की शीट मिलती है गाइस, पर पता नहीं इन लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर स्टिकर चिपका के दिए हुए हैं मुझे, तो देख सकते हो गाइस इस तरह का दिखता है GSLV MK2 रॉकेट मॉडल। आप अगर इसे खरीदना चाहते हो तो बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, वहां से जाकर आप इसे खरीद भी सकते हो। जहां तक गाइस इस रॉकेट की क्वालिटी की बात करूं, बहुत ही अच्छे प्लास्टिक से बनाया गया है, 300 रुपीज़ बहुत ज़्यादा प्राइस है गाइस इस तरह के बहुत ही छोटे से रॉकेट के मॉडल के लिए। तो आप अगर इसे फिर भी खरीदना चाहते हो तो बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से चाहे तो आप जाकर इसे खरीद भी सकते हो। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। दोस्तों कल मैंने होली स्टैश पार्ट 3 वाली वीडियो भी डाल दी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर से देख लेना। यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है जगदीश सैनी, करण मनीलाल, अनिक सरकार, व्योम अग्रवाल, वेदांत सुधीर यादव, शुभम चौहान, वसंत, सतादीप दास, रोहित मलिक। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट कर रहा हूं जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। आज की वीडियो यहीं पर होती है एंड, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ DIY प्रोडक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।